एक माँ को उसके मृतक बच्चों की यादें बुद्ध कराती है। यह कहानी मनोहार नैतिक कथा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर। दोस्तों, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई गौतम बुद्ध के पास आती है और कहती है, प्रभु मैं बहुत आशा से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप परम ज्ञानी हैं और सब कुछ आपके लिए संभव है, इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य ये था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री का पुत्र वास्तव में मर गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मर चुके पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। उसे सिर्फ बताया गया था कि बुद्ध वास्तव में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। प्रभु, क्या आप मेरे पुत्र को बचाएंगे? स्त्री पूछती है। वहां उपस्थित सभी बुद्ध की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को बच सकता हूँ, बुद्ध कहता है। बुद्ध की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वह महिला खुश है। फिर बुद्ध कहते हैं, लेकिन आपको कुछ करना होगा। वह स्त्री पूछती है कि मुझे क्या करना होगा हे भगवान? बुद्ध ने कहा कि आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने लाना होगा। मैं अभी प्रभु लेकर आती हूँ, वह महिला कहती है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जहां कभी कोई मर नहीं गया है। उसी समय वह महिला सरसों के दाने खरीदने के लिए अपने गांव चली जाती है। वह हर घर जाकर पूछती है। उसे हर घर में सरसों के दाने मिलते हैं, लेकिन आज तक किसी भी घर में मृत्यु नहीं हुई है। फिर वह महिला जानती है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह महिला बुद्ध से मिलती है और कहती है कि वह इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य की जानकारी दी। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जन्मे हुए सब मर जाते हैं। मरते सभी को आनी है, चाहे कोई सुंदर, करूप, बूढ़ा या जवान हो। बुद्ध कहते हैं कि हमारा वास्तविक संसार दुख और पीड़ा का क्षण भंगुर खेल है, इसलिए हर कोई मरेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इससे क्या सीखा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक लोग गौतम बुद्ध की सभी कहानियां सुन सकें। नमो बुद्धाय।